الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حق جل شانه نے اس دنیا میں بے شمار نعمتوں سے مجھے اور آپ کو مالا مال فرمایا ہے, لیکن ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت پر آج کی مجلس میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس نعمت کے حصول کے لیے مالدار بھی تڑپتا ہے, غریب بھی تڑپتا ہے, اور جس نعمت کے حصول کے لیے دنیا کا ہر انسان تڑپتا ہے. ہر وہ انسان جو جوانی کی دہلیز پر آ کر جب وہ اپنی ازدواجی زندگی شروع کرتا ہے اور جب وہ نکاح کر کر اپنی نئی دلہن کے ساتھ اپنی ازدواجی زندگی کا سفر شروع کرتا ہے, تو سب سے پہلے یہ تمنا ہوتی ہے, یہ آرزو ہوتی ہے کہ میرے یہاں اولاد کی نعمت ہو. اولاد کی نعمت کے لیے دنیا کا ہر ایک انسان, چاہے کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو, ہر ایک آدمی کی یہ فکر رہتی ہے اور اس بات کی آرزو رہتی ہے کہ میرے آنگن میں کوئی اولاد آ جائے, میری گود میں اولاد کی نعمت آ جائے. قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے بندو, چاہے تم اولاد کی نعمت کے لیے, چاہے دنیا کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جا کر بڑی سی بڑی دوائیاں استعمال کر لو, بڑے بڑے حکما کے پاس جا کر حکیموں کے نسخے استعمال کر لو, لیکن اولاد کا دینا نہ دینا یہ میرے قبضۂ قدرت میں ہے. میں جس کو چاہتا ہوں اولاد کی نعمت سے نواز دیتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یہ بری میں وہ جس کو چاہتا ہوں لڑکی رہتا ہوں, وہ یہ بری میں اگر میں چاہتا ہوں تو اس کو لڑکا بھی عطا کر دیتا ہوں. اور یزوجہم ذکرانا وإناثا, میں چاہتا ہوں تو لڑکا بھی دیتا ہوں لڑکی بھی دیتا ہوں. اور آگے فرمایا ویجعل من یشاء
ईमा, अगर मेरी हिकमत ना चाहे और मेरी मर्जी ना चाहे, मेरा हुक्म ना चाहे, तो चाहे तुम दुनिया की कितनी भी दवाइयां इस्तेमाल कर लो, दुनिया के कितने भी तरीके इस्तेमाल कर लो, अगर मैंने तुम्हारे मुकद्दर में औलाद की नेमत नहीं रखी है तो दुनिया की कोई ताकत आपको औलाद की नेमत नहीं दे सकती। चाहे औलाद की नेमत के हुसूल के लिए तुम किसी बाबा के पास चले जाओ, किसी दरगाह पर चले जाओ, वहां जाकर अपना ईमान चाहे बेच दो, चाहे अपने ईमान को गवा दो, चाहे तुम अपनी जिंदगी की औलाद की नेमत के लिए जिंदगी की सारी माली दौलत को उस बाबा के पीछे खर्च कर दो, कितनी भी बड़ी तावीजात इस्तेमाल कर लो, कितने भी बड़े बड़े नुस्खे इस्तेमाल कर लो, अगर मेरी मर्जी नहीं है और मैंने तुम्हारे मुकद्दर में नहीं लिखा है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें औलाद की नेमत नहीं दे सकती। हाँ, औलाद ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा अतिया है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ा तोहफा है, लेकिन जिसके पास औलाद नहीं है तो वो क्या मायूस हो जाएगा, नाउम्मीद होगा? फरमाया नहीं, मायूस होने की जरूरत नहीं है, ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है, वो आएगा अल्लाह के दर पर, वो आएगा अल्लाह की चौखट पर, वो आएगा अल्लाह के सामने, अपने पेशाने को झुकाएगा और दुनिया भी असबाब के अजबाब से जितनी भी मेहनत करना चाहे कर सकता है, लेकिन ईमान और यकीन वो अल्लाह की जात पर हो, कोई बाबा नहीं दे सकता, कोई हकीम नहीं दे सकता, कोई डॉक्टर नहीं दे सकता, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनके पास औलाद है, तो औलाद की नियामत के होने के बाद मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है कि जब औलाद नहीं थी मारे मारे फिरता था, तावीज लेता था और पानी नम करवाता था, बुआ और बाबू के पास जाता था, अल्लाह कहना चाहता है वो मेरे बंदे जब तेरे पास औलाद नहीं थी मारे मारे चक्करे खाता था, आज मैंने तुझे औलाद दी है, इस औलाद का हक क्या अदा किया है? इसीलिए कुरान करीम में हक तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, कू अन्फुसकुम, अपने आप को बचाओ, वाहलीकुम नारा, अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, कि जहां मेरी जात को मैं जहन्नम की आग से बचाऊं वहीं पर मैं अपनी आलो औलाद को, अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपने घर के तमाम फैमिली मेंबर को मैं जहन्नम की आग से कैसे बचाऊं? कि औलाद भी है, इसलिए औलाद बहुत बड़ा अतिया है, बहुत बड़ी नेमत है। अगर हम चाहते हैं इस दुनिया में हम बहुत खुशहाली के साथ जिंदगी गुजारें और मेरे मरने के बाद मेरी औलाद मेरे लिए दुआएं इस्तिग़फ़ार करती रहे, मग़फ़िरत की दुआएं करती रहे, तो हमारी मौत से पहले पहले हमें अपनी औलाद की तालीम और तरबियत की फिक्र करना पड़ेगा, उसके ईमान की फिक्र करना पड़ेगा, उसके अकाइद की फिक्र करना पड़ेगा कि कहीं उसका अकीदा खराब ना हो जाए। कुरान में याकूब अलैहिस्सलाम व सलाम का किस्सा जिक्र किया है कि याकूब अलैहिस्सलाम व सलाम जलीलुल फर्द पैगंबर और नबी है, लेकिन जब अपनी जिंदगी पूरी कर रहे हैं और जिंदगी का आखिरी लम्हा है, मौत का वक्त है, तो अपनी औलाद के बारे में कैसे फिक्रमंद है? नबी है, हालांकि पूरा खानदान और पूरी सारी पीढ़ियां नबियों से भरी हुई है, लेकिन अपनी औलाद के बारे में ईमान की फिक्र कर रहे हैं, ईमान कि मेरी औलाद ईमान पर जमी रहे, मेरी औलाद उसके अकाइद सही रहे, कहीं हालात के ठपेरे और दुनिया के तमाशे और दुनिया की मोहब्बत मेरी औलाद के ईमान को, उसके अकाइद को अंदर से खराब न कर दे। इसलिए कुरान में फरमाया, أَمْكُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ
اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا اپنے بیٹوں سے کہ میرے بیٹو میری زندگی کا آخری وقت ہے, آخری لمحات ہے, میں جا رہا ہوں, میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے؟ ایک باپ پوچھتا ہے کہ بیٹا اب میں تو ایسی بیماری میں لتپت ہوں کہ مجھے امید نہیں ہے کہ میں اسپتال سے سیدھا گھر آؤں گا, مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں سیدھا قبرستان چلا جاؤں گا, میری دکان کو ذرا سنبھال لینا, میری دکان کی تھوڑی نگرانی کر لینا, میری دکان اور کھیتی باڑی کی تھوڑی جانچ کرتے رہنا, اس کی فکر کرتے رہنا. یہاں جلیل القدر پیغمبر ہے اور اپنی اولاد کے ایمان کی اور اس کے عقائد کی فکر کر رہے ہیں کہ میرے بیٹو میرے مرنے کے بعد تم عبادت کس کی کرو گے. آج ہماری زندگیوں میں یہی فکر ہونی چاہیے اور یہی سوچ ہونی چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر پلنے والی ہماری اولاد ہماری زندگیوں کے اندر وہ ایمان پر جمی رہے, استقامت کے ساتھ اس کے عقائد مضبوط ہو. معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جب دین کی دعوت و تبلیغ سے جب اپنے گھر پر آئے ہیں اور اپنے گھر پر آنے کے بعد بہت خوش تھے, ماں نے پوچھا بیٹا بہت خوش ہے کیا بات ہے؟ فرمانے لگے ماں اصل میں بات یہ ہے کہ میں دین کے کام کے لیے گیا تھا, دعوت و تبلیغ کے مشن کو لے کر گیا تھا, ہزاروں لوگوں نے میرے ہاتھوں پر ایمان قبول کیا ہے, ہزاروں لوگوں نے اپنے کفر و شرک سے توبہ کر کے ایک نئی زندگی گزارنا شروع کیا ہے, اس بات پر خوشی ہے. فرمانے لگے بیٹے تیرا کوئی کمال نہیں ہے, کمال تو میرا ہے. معین الدین چشتی فرمانے لگے میری ماں تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی ہے, تو کبھی غیبت نہیں کرتی ہے, کبھی تو نے جھوٹ نہیں بولا ہے, اے میری ماں تیرا کمال کون سا ہے, تیرے پاس کون سی ایسی صفت ہے؟ تو فرمانے لگی کہ بیٹا جب تو چھوٹا تھا اور جب تو دودھ پیتا تھا اور جب بھی تجھے دودھ پینے کی ضرورت پڑی ہے میں نے تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے, بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ آج تیرے ہاتھوں پر ہزاروں لوگوں نے ایمان قبول کیا ہے, ہزاروں لوگوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کر کر اللہ کے سامنے اپنی نئی زندگی گزارنے کا ایک انقلاب اور اپنی نئی زندگی گزارنے کا ایک عزم مصمم کیا ہے, پختہ ارادہ کیا ہے. وہ میرے بیٹے کمال میرا ہے تیرا نہیں ہے. ہم اس واقعے کو سن کر اپنی زندگی پر تھوڑا غور و فکر کریں کہ کیا ہماری ماں بہنیں اور ہماری بیٹیاں جب اپنی اولاد کو دودھ پلاتی ہے آپ اور آپ کو ہمارے کہیں پر بھی دودھ پلانے بیٹھ جاتی ہے اور کیا نہ وضو کی حالت ہے نہ پردوں کا لحاظ ہوتا ہے, پھر یہ اگر اولاد بڑی ہونے کے بعد ماں باپ کی نافرمان بنتی ہے, آپ بڑے سے بڑے ولی کے پاس لے جائیے, بڑے سے بڑے قطب رفتار کے پاس لے جائیے, لیکن پہلے سے اس کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں ہوئی ہے تو اس اولاد کو کوئی بنا نہیں سکتا ہے. اسی لیے فرمایا بچے کی ماں کی گود یہ بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے, ماں کی گود بچے کا سب سے پہلا مدرسہ ہے. ایک ہسبینڈ وائف سے میاں بیوی سے بہت اللہ والے تھے, اس بزرگ نے اپنے بیوی سے اپنے نکاح کے وقت یہ ارادہ کیا اور ایک معاہدہ کیا تھا کہ دیکھ آج تو میرے نکاح میں آئی ہے ہماری نئی زندگی اب کا سفر شروع ہوگا, لیکن میں تجھے ایک بات کا وعدہ کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کبھی تو چوری نہ کرنا. اللہ والے نے فرمایا چوری نہ کرنا, اچھا ٹھیک ہے, لیکن جب اولاد ہوئی اور اولاد تھوڑی بڑی ہوئی تو اولاد نے کسی جگہ پر چوری کا کام کیا, وہ مورن آئے اپنی بیوی کے پاس کہنے لگے کہ مجھے ایک بات بتا کہ جب میں نے تیرے ساتھ نکاح کیا تھا اور نکاح کر کر تجھے میں اپنے نکاح میں لایا تھا, میں نے تیرے ساتھ یہ عہد و پیمان کیا تھا, یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم کبھی چوری کا کام نہیں کریں گے, میرے بیٹے کے اندر یہ چوری کی صفت آئی کیسے ہے؟ بہت سوچا اس بیوی نے, کہنے لگے بعد میں کہ اصل میں ہمارے مکان کے بغل میں کسی پڑوسی کا مکان ہے اور اس مکان کے بارے کے اندر اس کے پیچھے والے حصے میں ایک بیر کا درخت ہے, اس کی ٹہنی ہمارے مکان کے حصے کی طرف
झुकी हुई थी उसका एक देर आ गया था, जो मैंने ये बच्चा जब मेरे पेट में पल रहा था और मेरे पेट के अंदर ये बच्चे की परवरिश हो रही थी और अंदर में बन रहा था, तब मैंने मुझे याद है कि एक देर मेरे पड़ोसी की इजाजत के बगैर उसको अपने पेट में दाखिल कर लिया था, उसको खा लिया था। फरमाने लगे उसका नतीजा ये है कि आज बच्चा तेरी नाफरमानी करता है और चोरी करने का आदि बन गया है। हम सोचे बयानात बहुत हुए और हो रहे हैं, हमारी जिंदगियों की इस्लाह कैसे होगी, हमारी आलो औलाद की तरबियत कैसे होगी, हमारी औलाद की तरबियत की फिक्र ये मुझे और आपको करना है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने फरमाया है जब इंसान दुनिया से रुख्सत हो जाता है, अपने 50 साल की 60 साल की जिंदगी पूरी करकर जब आखिरत के सफर की तरफ जाता है, उसके दुनिया के आमाल का और नेक आमाल का रजिस्टर बंद हो जाता है। लेकिन तीन चीजें ऐसी है कि बनने के बाद भी उसके लिए सवाब और उसके लिए नेकियों का सिलसिला बाकी रहता है। उसमें एक चीज ये है कि अगर हमने अपने औलाद की सही तरबियत की है, हमने अपने बच्चे को सही दीनदार बनाया है, अपने बच्चे को सही अकाइद सिखाए हैं, हम कब्र में सोए होंगे, हमारी औलाद मस्जिद में हमारे लिए हाथ उठा कर दुआएं मांगती होगी, हमारी औलाद दुकान पर बैठकर हमारे लिए दुआएं करती होगी। वरना शाह वकीलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, फरमाते हैं कि अगर तुमने अपनी जिंदगी में अगर अपनी औलाद की तरबियत नहीं की तो याद रखो तुम्हारी औलाद तुम्हारे कब्र के पास जाएगी और लात मार कर कहेगी कि मेरे बाप तूने दुनिया की सारी नेमतें दी है, जा तूने मुझे दीन नहीं सिखाया है, वो हमारी कब्रों पर जाते हुए लात मारेगी। इसीलिए वाकियात में लिखा है एक आदमी का इंतकाल हो गया है और लोग नमाज जनाजा के लिए कब्रस्तान के अंदर आए हुए हैं, सफे लगी हुई है, एक नौजवान आदमी कब्रस्तान की गेट के पास खड़े होकर जारो कतार रो रहा है। एक बड़े मियां गए, वो कहा नौजवान से, नौजवान चलो ना, यहाँ इमाम खड़ा हुआ है, लोग नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आए हुए हैं, जनाजा मौजूद है। लेकिन वो कहने लगा कि आप किस आदमी की नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आए हैं, वो कोई और नहीं है, असल में ये मेरा सगा बाप है, मेरे बाप ने मुझे कभी अपने जिंदगी में न कुरान सिखाया है, न दीन सिखाया है, न नबी के तरीके सिखाए हैं, न दीन की कोई तालीम दी है। नतीजा ये है आज मैं अपने सगे बाप की जनाजे की नमाज पढ़ने से मामूर हूं। कौन अपनी औलाद को हौसले देता है? हमारे पास अपने दोस्तों के पास बैठने के लिए वक्त है, दूसरों की दुकान पर जाकर और दूसरों की ऑफिस में जाकर बैठने का हमारे पास वक्त है, लेकिन कौन है जो अपने औलाद को रोजाना आधा घंटा निकालता हो और उसके पास से पूरे दिन की कारगुजारी लेता हो? कौन है? हमारा बच्चा और हमारी बच्ची स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, ट्यूशन जाती है, कौन बाप ऐसा है और किसका ऐसा जिगर है कि जो अपने औलाद को रात को सोने से पहले पूछे, वो मेरी बेटी और मेरी लाल, तू तो मैंने तुझे स्कूल भेजा था, तुझे ट्यूशन भेजा था, बताना तुझे तेरे टीचर ने और तेरी मैडम ने तुझे क्या सिखाया है, कहीं कोई ऐसी बात सीखकर नहीं आई जिसकी वजह से उसका ईमान खराब हो रहा हो, जिसकी वजह से उसके अकाइद खराब हो रहे हो? अपनी औलाद को बेहतरीन से बेहतरीन महंगी के महंगी चीजें खिलाओ, कोई मना नहीं करता है, शरीयत की हदूद में रहकर बेहतरीन से बेहतरीन खाना खिलाओ, बेहतरीन कपड़े पहनाओ, लेकिन जहां ये सारी चीजों की फिक्र है वहीं पर उसकी तरबियत की फिक्र होनी चाहिए। एक बाप फजर की नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से निकलता है और उसका नौजवान बेटा अपने बिस्तर पर पड़ा रहे, तो क्या एक बात की जिम्मेदारी नहीं है कि तू पहले सब सबे उगला का पाबंद है, तू तहज्जुद का पाबंद है, तू कुरान की तिलावत का पाबंद है, तू सब कुछ करता है, दिन के लिए कुर्बानियां देता है, बयानात करता है, सब कुछ करता है, तूने अपनी औलाद को दिन कितना सिखाया है, अपनी औलाद को क्या सिखाया है? आज हमारी औलाद के दरमियान, माँ बाप और औलाद के दरमियान में जो फासला हो गया है, जो बीच में एक बहुत बच्चे बीच में जो गैप हो गया है, उसका सबसे बड़ा नतीजा, उसकी वजह यह है कि हमने अपनी औलाद के साथ बैठने का मामूल छोड़ दिया। उलमा के पास ले जाओ, अहलुल्लाह की सोहबत में ले जाओ, ताकि उनकी नेक नजर जब हमारे औलाद पर पड़ेगी उनकी जिंदगियां बदल जाएगी।
अगर हमारी औलाद, अगर उसके बाल कटाने की स्टाइल, उसके कपड़ों पहनने की स्टाइल अगर गैरों के मुसाबे है, एक बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूल अन रईयतिही, तुम में से हर आदमी जिम्मेदार है, हर जिम्मेदार से कल कयामत के दिन जिम्मेदारी के बारे में सवाल किया जाएगा। हमसे सवाल होगा और सवाल होगा, अल्लाह सवाल करेंगे कि मैंने तुम्हें औलाद दी थी क्या, आज अपनी बच्चियों को ये दीन सिखाने की जरूरत है, बच्चियों के साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिए कि हमारी बच्ची जब किसी और जगह पर जाती है निकाह कर वो अपने शोहर के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ किस तरीके से जिंदगी गुजारे, ये बाप की जिम्मेदारी है। अपनी औलाद के पास आज से ईड़ा ना करो, ये नियत करके उठो कि इंशाअल्लाह हम अपने औलाद की तरबियत के लिए वक्त निकालेंगे। मोहम्मद इब्ने सुलेमान अल-जज़ूरी रहमतुल्लाह बहुत बड़े पाए के आलिम गुजरे हैं और फरमाते हैं कि उनके वाकयात में लिखा है कि एक मरतबा वो अपने शागिर्दों के साथ और स्टूडेंट के साथ कहीं सफर में जा रहे थे और जाते जाते असर जुहर की नमाज का वक्त हो गया, यानी जुहर की नमाज का वक्त खत्म होने की तैयारी है। बहुत तलाश किया कि पानी मिल जाए, वजू कर ले, नमाज पढ़ ले, फिक्रमंद थे। हाँ, ईमान वाले की फिक्र ये हो, चाहे वो दुकान पर हो, चाहे वो घर पर हो, कहीं पर भी हो, सबसे पहली फिक्र ये हो कि मेरी नमाज कहीं छूट ना जाए, मेरी नमाज कज़ा ना हो जाए। हमारी माँ बहनों को ये बताना चाहिए, इसीलिए उलमा ने लिखा है, जब माँ अपने बच्चे को और जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अपने सीने अपने छाती से लगाती है तो वो सिर्फ दूध नहीं पिलाती है बल्कि माँ अपने दूध के जरिए से अपने नेक कामों का असर, अपनी नमाज का असर, अपने कुरान का असर, अपनी पर्दों का असर वो सारा दूध के जरिए से बच्चे के पेट में ट्रांसफर कर दी है। अगर माँ की जिंदगी में बेपर्दगी है, बेहयाई है, बेनमाजी है, गीबत और झूठ उसकी आदि है तो उसका गलत असर दूध के जरिए से बच्चे के पेट में ट्रांसफर होता है। तो मोहम्मद इब्ने सुलेमान जज़ूरी रहमतुल्लाह अलैह जब वो अपने शागिर्दों के साथ जा रहे थे और जोहर की नमाज का वक्त खत्म होने की तैयारी थी, पानी तलाश किया, पानी नहीं मिला, कुआं नजर आया, कुएं के पास गए कि पानी अंदर मौजूद है लेकिन पानी निकालने के लिए कोई है नहीं, दो रस्सी नहीं है। 10 साल की एक मासूम बच्ची दूर से इस सारे मंजर को देख रही थी और करीब में आकर कहने लगी, बड़े मियां मैं आपको देख रही हूँ, आप परेशान हैं। फरमाने लगे, बेटी पानी अंदर मौजूद है तो जोहर की नमाज का वक्त खत्म होने की तैयारी है, हमारी नमाज कज़ा हो जाएगी, पानी निकालने के लिए दो रस्सी नहीं है। वो 10 साल की मासूम बच्ची कहने लगी, बड़े मियां पानी निकालने के लिए दो रस्सी की जरूरत क्या है, तो फिर पानी कैसे निकलेगा, कहा पानी कैसे निकलेगा, कहा चलो। वो कुएं के पास ले गए और उस लड़की ने, 10 साल की मासूम बच्ची ने अपना लुहाब और अपना थूक निकाला, कुएं में डाला, पानी नीचे से ऊपर आ गया। मोहम्मद इब्ने सुलेमान जज़ूरी ने अपने शागिर्दों के साथ वुज़ू किया, नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद उस लड़की के घर गए और पूछा, लड़की तेरे पास कौन सा ऐसा कमाल है, तेरे पास कौन सी ऐसी सिफत है जिसकी वजह से पानी नीचे से ऊपर आया है। वो 10 साल की मासूम बच्ची कहने लगी, असल में बड़े मियां बात यह है कि मेरी माँ रात को सोने नहीं देती है जब तक कि मैं सरकार पर 1000 मरतबा दुरूद शरीफ न पढ़ूं। कितनी मरतबा? कि रोजाना 1000 मरतबा जब तक मैं दुरूद शरीफ न पढ़ूं मेरी माँ मुझे सोने नहीं देती है। हम सोचें कि हमारी औलाद कितना दुरूद पढ़ती है, हम कितना दुरूद पढ़ते हैं, हमारा पूरी जिंदगी का वक्त व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर ऐसा हमारा वक्त जाए और बर्बाद हो जाता है कि कहीं हमारे अंदर से ईमान निकल जावे हमें उसका एहसास नहीं रहता है। बयानात बहुत सुने मेरे भाइयों, हो रहे हर जुमा को,
लेकिन हमारे जिंदगियों के अंदर इंकलाब, हमारे जिंदगियों के अंदर एक ऐसी चाशनी, हमारे जिंदगियों के अंदर एक ऐसी ताजगी, हमारे जिंदगियों के अंदर हमारा ईमान ऐसा मजबूत हो कि हम ईमान के दायरे में रहकर अपनी आल और औलाद की तरबियत की फिक्र करें। जो बीवी मेरे और आपके लिए, जो हमारी बीवियां हमारे लिए खाना बनाती है, सुबह में नाश्ता तैयार करती है, दोपहर का खाना वक्त पर देती है, शाम को खाना देती है, हमारे कपड़े धोती है, सब कुछ करती है, क्या उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है कि उनके रखाई की और उनके ईमान की फिक्र हम करें? क्या वो अपने घर के सारे कामों को छोड़कर, अपनी सहेलियों को छोड़कर और अपने घर की सारी राहत की चीजों को छोड़कर पूरी जिंदगी के लिए हमारे पास इसलिए आई है कि वो हमारे सिर्फ नाश्ता तैयार करे और खाना बनाकर हमको खिलाती रहे? ये तो एक जरूरत है। उसके साथ सबसे पहली जरूरत है उसके ईमान की। अगर माँ की जिंदगी, बाप को 12 घंटे दुकान पर जाता है, बाप को कारखाना में काम करता है, बच्चा माँ के पास पलता है, बच्चा माँ की नम्रो हरकत को देखता है, इसीलिए हम अपने घरों में देखते हैं जब माँ नमाज पढ़ने के लिए मुसल्ला बिछाती है, छोटा सा मासूम बच्चा और छोटी सी मासूम बच्ची वो भी किसी चादर को बिछा देती है और माँ को देखती है, माँ जिस तरीके से करती है उस तरीके से करने की कोशिश करती है, ये बच्चे की जिंदगी में कैसे आया है? बच्चा और बच्ची ये अपनी मां को देखते हैं। कौन है जो अपनी बीवी को वक्त दे? इसलिए आल और औलाद की तरबियत बहुत जरूरी है। अगर आल और बल्कि हमारे उलमा ने यहां तक लिखा है कि जिस तरीके से ड्राइविंग करने वाला ड्राइवर करते हुए चौकन्ना के साथ ड्राइविंग करता है, उससे कहीं ज्यादा अपनी आल और औलाद की तरबियत और फिक्र करने की जरूरत है। और मैं तो हर जगह एक बात कहता हूं कि अगर हमने अपनी औलाद को अगर स्कूल जाने के लिए सिर्फ 5 रुपये दिए हैं, मैं हर जगह ये मिसाल देता हूं कि मिसाल के तौर पर 5 रुपये दिए हैं और हमने उसको एक पेंसिल लाकर दी थी, एक रबड़ लाकर दिया था, जब शाम को ये हमारी औलाद हमने अपने घर पे आई है, उसका दफ्तर खोलो, उसकी बैग खोलो और उसका वो रखने का वो खोलो और उसमें देखो अगर उसके पास 2 पेंसिल है, बच्चे से सवाल करो ये दूसरी पेंसिल कहां से आई है? कहीं अपने क्लास में पढ़ने वाले किसी बच्चे के पास से लेकर तो नहीं आए? कहीं अगर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर चोरी की आदत बन जाएगी। हमने उसको 5 रुपये दिए थे, ये 100 रुपये की खाने की चीजें कहां से लाया, कहां से लाया? एक माँ बाप और वालिदैन की जिम्मेदारी औलाद के बारे में वो आजाद नहीं है, हर वक्त फिक्र रहनी चाहिए उसके ईमान की कि हमारा बच्चा क्या बोलता है। इसीलिए तो फरमाया सोहबते साले तुरा साले कुनत, सोहबते साले तुरा साले कुनत, नेक आदमी की सोहबत इंसान को नेक बनाती है और बुरे आदमी की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। हमारी औलाद की उठक बैठक, हमारी औलाद की चलत फिरत, अगर हमारा बच्चा यूं कहे कि मैं 2 दिन के लिए घूमने जाता हूं, तो उसकी सोहबत देखो, वो किन लोगों के साथ जाता है, उसका बर्ताव कैसा है। अगर औरत उसकी कोई नई हरकत करे घर में, बाप उसकी गिरफ्त करे, उसकी पकड़ करे कि ये नई चीज कहां से सीख कर लाया है। अगर औलाद की तरबियत की फिक्र करेंगे तो फिर याद रखो ये हमारी औलाद हमारे मरने के बाद भी जन्नत में ले जाने का जरिया बनेगी, वरना ये हमें जहन्नम में ले जाने का जरिया बनेगी। आज दुनिया में हजारों की तादाद में लोग अपने औलाद के लिए दुआएं करा रहे हैं पर अपने आल औलाद की तरबियत के सही न होने पर रो रहे हैं। मेरे भाइयों, जिस तरीके से एक दरख्त को आदमी जमीन में बोता है और दाना डालता है, वो थोड़ा बाहर निकलता है, अगर वो टेढ़ा हो जाता है तो उसको सहारे के जरिए से उसको सही किया जाता है। हमारे नौजवानों की और हमारे बच्चों की जिंदगी उसी तरीके से है। अगर पहले से उसको समझाएंगे तो ये संभल जाएगा, वरना मसला ये होगा ये हमारे हाथों से निकल जाएगा। फिर बाप के गले पर हमारी औलाद, अपनी औलाद बाप के गले पर छुरी चलाएगी। आज क्या हो रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए से और गेम के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से, दूसरी गलत चीजों को देखने की वजह से बच्चों की सही तरबियत न हुई है तो बच्चे के जिंसी जज्बात बढ़ जाते हैं और फिर उसके बाप के गले पर छुरी चला देता है। तो हमारी औलाद
हमारे सीने पर छड़ी चलाए और हमारी औलाद हमारे ईमान को जाया करे, उससे पहले पहले हमारे पास वक्त है कि अपनी आलो अलाद की तरबियत की फिक्र करें। इसके लिए सबसे आसान एक तरीका यह है कि रोजाना हर वालिदैन अपने बच्चों को वक्त दे। नियत करो इंशाअल्लाह कि रोजाना हम अपने औलाद को लेकर बैठेंगे। इसीलिए तो घरों के अंदर जो माहौल और तालीम वाला माहौल जो किया जाता है उसका नतीजा ये होता है कि घरों के अंदर जब तालीम वाला माहौल होगा तो घरों के अंदर से बेदीनी के सुराग खत्म हो जाएंगे, घरों के अंदर ताजगी आ जाएगी, घरों में सुकून आ जाएगा। अल्लाह ताला मुझे हम तमाम को अपने आलो औलाद की सही तरबियत करने की फिक्र और उसकी तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह के सामने तरबियत को मांगना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने एक आदमी खाना खाने के लिए बच्चा बैठा हुआ था और उसने अपने बाएं हाथ से खाना शुरू किया। अल्लाह के नबी ने सबसे पहले उसको रोका है मोहब्बत के साथ। हाँ, एक बात ये भी याद रखिए, अपनी आल और औलाद की तबीयत में नरमी का पहलू भी इख्तियार करें। सख्ती से काम नहीं चलेगा, हम सख्ती से उसकी पिटाई कर देंगे। इसीलिए तो फरमाया जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज पढ़ने की उसको तरकीब दो, उसको नमाज पढ़ने की तरकीब करो। अगर 10 साल का हो जाए तो थोड़ा मार धमका के उसको मस्जिद में ला लें। इसलिए अपनी औलाद को मस्जिद में लाओ, उलमा के पास ले जाओ, कुरान की तालीमात में मकतब के अंदर कुरान को सीखने के लिए, दीन को सीखने के लिए, अकायद को सीखने के लिए जब बच्चों को ले जाएंगे तो बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम अपने मौत तक अपनी जिंदगी की भी और अपने आल और औलाद के ईमान के बनाने की फिक्र करेंगे। अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। الحمد لله تعالى رب العالمين.